हेलो माय डियर पेरेंट, आज हम आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसे इसका ट्रिक हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट निकाल सकें, ये आपको हम वीडियो के अंत तक बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पॉइंट। दोस्तों जो पॉइंट हमारा क्या है, जैसे 49 और 69 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 49 69 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों, कैसे निकालेंगे? और एक चीज ध्यान देना दोस्तों, क्या है इसे कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से, ये चीज ध्यान देना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। दोस्तों देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये स्क्वायर आपको यहां तक तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको दिमाग ब्रेन में आपको स्ट्राइक करना चाहिए, जिसका भी आपको सोचने की थिंकिंग पॉइंट ये होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली बात है ये देखो। सबसे पहले आप क्या करें, इस जो अंडर रूट स्क्वायर रूट है, जिस जो अंदर है, सबसे पहले दो वैल्यू को आप उठाइए। इस दो वैल्यू 49 को आप देखिए, 49 को देख रहे हैं ना, इसी वैल्यू चाहे जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, आप सबसे पहले दो अंक को उठाइए। ठीक, इस दो अंक को आप मैंने उठाया, उसके बाद क्या करना है, 39 को मैंने निकाला। अब एक चीज आप ध्यान देना कि जो 39 है, इसके एक ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, एक इसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे 39 है इसके ऊपर वाला, जैसे अब इस वाले में, जब ये आपको याद होगा तो आपको अब कुछ करना ही नहीं होगा, सोचना भी नहीं होगा। देखो, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। देखिए, अब इसके नीचे वाला हमें पता चला कि इसके नीचे वाला स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर है, इसके नीचे वाला 36 और इसके ऊपर वाला स्क्वायर जो है, इसके ऊपर वाला स्क्वायर जो है 49। ये दो वैल्यू है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो आप 7 लिखे हैं, इस 7 का स्क्वायर 49 है, आप उसे 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 डिजिट का मतलब उसे दहाई में लिखेंगे। जो 7 का स्क्वायर आप लिखे हैं वो 70 करेंगे आप, और जो 6 का स्क्वायर लिखे हैं आप उसे 60 करेंगे। ठीक, वो तो आपको सेकंडों नहीं लगेगा सोचने में, आप सोच सकते हैं 6 70 6 60 7 70। ठीक, ऐसे। उसके बाद अब इनके बीच का कोई कॉमन अंक सोचिए जो आपको स्क्वायर निकालने में बहुत ही आसानी लगता हो, मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर जो आपको जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका वो है 65। इसका स्क्वायर आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। जिस भी नंबर के पीछे का 5 दिखे, जिस भी नंबर का आपका स्क्वायर निकालना हो, अगर वो वैल्यू 5 लास्ट में आपको दिखे, तो आपका उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक हम बताते हैं। ये 5 है ना, इसका हुआ 25, पांचवा 25, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। इस 6 का क्या करना है, 6 का इसी में एक नंबर बढ़ा के, इसी में एक नंबर 6 है तो 7, 7 जो है, 7 जो है, 7 नंबर जो है, 7 नंबर जो है, 7 में 6, इसी 7 का 6 में फिर से मल्टीप्लाई करके 25 के आगे लिख देना है। 6 सते 42, ऐसे इसके 25 के आगे लिखना है। मैंने कहा जिस नंबर के पीछे वाला वैल्यू 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान। कैसे, अगर
पांच है, पचवा पच्चीस, ये छह है, छह में एक इंक्रीज करके एक बढ़ा के सात, सात का उसी में छह से मल्टीप्लाई कर दे, सात और छह का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 42 आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्या देखिए इधर इधर, ये जो ये नंबर जो आया है, क्या इस नंबर से जो 39 69 है, 42 25 ज्यादा है या कम? तो मैंने देखा 39 69 तो कम है इससे, तो जब 65 का स्क्वायर करने पर 42 25 आ रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो इस हमें पता चला कि जो ये 65 65 से कम ही होगा, इसका 64 हुआ, चाहे 63 होगा, चाहे 62 होगा, चाहे 61 होगा, इसके बाद 60, ठीक, ये चीज है। अब देखना, जब 65 का स्क्वायर करने पर ये वैल्यू जो 39 69 है उससे ज्यादा है, तो हमें पता चला कि ये 60 और 65 के बीच में वैल्यू होगा, जो इसका 39 69 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो अब एक चीज और ध्यान देना, जो ये वैल्यू 65 से 60 तक जो लिखा है, क्या किसके लास्ट में, ये देखिए ये लास्ट वैल्यू देखिए, अब ये जो लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू जो 9 है, देखिए इनमें से 65 से लेके 60 तक किस के लास्ट में, किस नंबर के लास्ट में स्क्वायर करने पर ये 9 आ रहा है? देखिए 4 का स्क्वायर करने पे 16, लास्ट में 6 आ रहा, 3 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आ रहा, 3 का 9, 2 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आ रहा, 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आ रहा। तो हमें पता चला कि ये 63 जो है, 63 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 63 ही 39 39 और 69 का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप आपको पूरी समझ आया होगा जितना मैंने आपको यहां तक अब तक मैंने आपको बताया। अभी नहीं आया तो और देखो कैसे मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना, अंडर रूट दिखा मैंने, सबसे पहले दो अंक आगे वाला आपको निकाल लेना। मैंने 39 निकाला, अब देखा मैंने कि 39 जो है इसके नीचे वाला का परफेक्ट स्क्वायर कौन है और इसके ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो मैंने देखा 36 इसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है और 49 उसके ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर है। 36 को मैंने कहा 36 छह से शुरू होता है तो मैंने 60 लिखा, और 7 49 7 का स्क्वायर 49 तो मैंने 70 लिखा, 7 की तरफ 70 लिखा मैंने, ठीक। उसके बाद 70 और 60 के बीच में जो कॉमन अंक है 65, इसका स्क्वायर निकालना सबसे ही आसान तरीका होता, मैंने बताया जैसे आपको। तो मैंने देखा जो 65 का स्क्वायर निकाला मैंने तो आया 42 25 42 25, तो मैंने देखा 39 और 69 से तो ज्यादा है, तो मुझे पता चला कि ये 65 और 60 के बीच में ही जो 39 69 है इसी के बीच का स्क्वायर है भैया। तो मैंने देखा कि किस, अब एक चीज देखना कि जो 65 और 60 के जो नंबर है, अब एक चीज और ध्यान देना कि क्या करें कि ये जल्दी से मुझे बार बार 64 का नाम निकालना पड़े, 63 का नाम निकालना पड़े, 62 का नाम निकालना पड़े, ना 61 का निकालना पड़े, तो क्या करें? तो मैंने आपसे बताया कि किसके लास्ट में इन नंबर के जो 64 63 62 लिखा, किसके लास्ट में जो है, यहां देखना है कि जो जिसका स्क्वायर रूट निकालना है इसके लास्ट में क्या है, 9 है, तो किस नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आ रहा, तो ये 63 ही नंबर है जो 3 लास्ट में 9 करने 9 आ रहा है इसका स्क्वायर करने पर, तो इसका जो रूट होगा ये 63 का ही स्क्वायर रूट होगा, ठीक। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर का, आपको एक और नंबर का बताता हूं जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर है दोस्तों, नंबर है 60 और 84, 60 और 84 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये बताना है। चलिए एक बात करके आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है, इस दो अंक को पकड़ो, 60 को बाहर निकालो, ठीक, 60 को मैंने बाहर निकालो, अब इसके ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर, इसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर, इसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 7 का जो स्क्वायर है 49 ये आया, उसके ऊपर वाला देखिए भैया, उसके ऊपर वाला क्या है, 8 है 64, ठीक। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो 8 है, आप इसे जो 8 है इसे 80 लिख लीजिए और जो 7 है इसे 70 लिख लीजिए, और मैंने आपसे फिर कहा
कि इनके बीच का कॉमन लीजिए 70 80 के बीच में कॉमन जो आएगा 75 75 का स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी होता। 25 और मैंने क्या कहा कि ये 7 जो है इसमें एक नंबर बढ़ा के 7 नंबर में एक नंबर बढ़ाएंगे तो 8 8 का खुद 7 से मल्टीप्लाई करना 8 7 56 56 और 25 इसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब देखिए 56 और 25 क्या 60 और 84 से ज्यादा है या कम? मैंने देखा 56 और 25 60 84 से कम है। अब देखना अब यहीं पे क्या होगा, जब मैंने देखा कि ये 75 जो नंबर था, 75 जो नंबर था जब हमने स्क्वायर किया तो 56 25 आया जो 60 84 से कम है, तो क्या हो सकता है? अब आपको पता चला कि ये 80 और 75 के बीच में ही वो नंबर होगा जो 60 और 84 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने देखा 70 एक 76 77 एक 78 हाँ 78 एक 79 एक 80 यहीं तक आपको लिखना है ठीक। उसके बाद देखना मैंने आपको क्या कहा, क्या 75 और 80 के बीच में ही ये परफेक्ट स्क्वायर होगा जो 60 84 है, इन्हीं नंबर में से जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। कैसे देखो, अब मैंने किसके बात कहा, अब इस वैल्यू को देखना आप, लास्ट वाले वैल्यू को देखो, लास्ट में क्या वैल्यू है 4, लास्ट में वैल्यू 4 है भैया। अब देखिए कि जो 75 और 80 के बीच में किसके लास्ट में 4 आता है, किसके लास्ट में 4 आता है भैया? मैंने देखा कि ये जो है 5 के लास्ट में तो 4 नहीं आता, 6 के लास्ट में 4 तो नहीं आता, 7 के लास्ट में 4 तो नहीं आता, 8 के लास्ट में 4 आता है। हाँ 8 के लास्ट में 4 आता है, उसके बाद 9 के स्क्वायर में 4 नहीं आता। ये जो स्क्वायर मैंने आपको कहा याद करने के लिए, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा तो आपको जब दिमाग ब्रेन में के स्ट्राइक करेगा तुरंत आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप 10 सेकंड में भी निकाल सकते हैं ठीक। कैसे भी हम एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। मैंने देखा 78 ही है जो ये जो 84 और 60 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यही जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है 78 ही, 78 का जब स्क्वायर करेंगे तो 60 और 84 आएगा। यही था इसका ट्रिक निकालने का। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अगर आपके समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर 6724 6724 का क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और मैंने इसका यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर 78 होगा, यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और